लोग क्या स्कूल, चलो एनीवेज। सो गुड इवनिंग एवरीवन, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस। वी विल कंटिन्यू द आवर डिस्कशन ऑन द क्वेश्चंस। देन आफ्टर डिस्कसिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस, वी विल डिस्कस दिस रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स, एंड देन फर्दर वी विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट योर स्क्रीन इज दिस वन। Please solve the question and tell me what will be the other roots of the equation. What are the other two zeros of the equation? Please solve the equation and tell me. Your time has already started, right? Before doing that, I want to do something else. What I want to do is, I want to write this polynomial as 2x square minus 3 होल डिवाइडेड बाय 2। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे एक ही फर्क पड़ेगा कि जो मेरा डिवीजन है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, दैट्स इट। इससे यही फर्क पड़ने वाला है कि माय डिवीजन विल बिकम लिटिल बिट इजियर, दैट्स इट। इफ यू डोंट डू दैट, देन ऑल्सो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। योर फाइनल रूट्स विल बी द सेम। योर फाइनल रूट्स विल बी द सेम। सो इफ यू डू इट, if you do this and if you perform the long division method, so finally what you will get 2x square minus 3 ko, if you are dividing with 2x to the power 4 minus 2x cube minus 7x square plus 3x plus 6 se jab aap divide karoge, to as far as I know, you will get the result as x square minus x plus 2। एक बार जरा वेरीफाई कर लेना व्हाट इज द रिजल्ट दैट यू आर गेटिंग, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू विल गेट द रिजल्ट एज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। सो योर एक सेकेंड, माइनस टू करेंगे, हाँ एक्स। चलो यार एक काम करते, डिवाइड करके देख ही लेते क्योंकि मुझे याद नहीं है किसी ने डिवाइड किया क्या आ रहा है। व्हाट इज द रिजल्ट दैट यू आर गेटिंग? X square minus x minus 2. X square minus x minus 2. I just got confused between whether it will be plus x or it will be minus x. So it will be x square minus x and finally minus 2. Na? X square minus x minus 2. That you will get the result when dividing. Ab is polynomial ke factors kar do and you will get your two zeros. तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वन। सो द अदर टू जीरोज आर टू एंड माइनस वन। सो द अदर टू जीरोज आर टू एंड माइनस वन। दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर मैंने थ्री टू से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, एलसीएम नहीं लिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कुछ नहीं होगा बेटा, बट इतना सा डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा देखो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। यहाँ पे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू और यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर, नो प्लस फोर, नहीं क्या था यार, माइनस फोर। 2x square minus 2x square minus 2x minus 4. That will be the difference that will be there. That's it. इसके अलावा और कोई difference नहीं आने वाला है, ठीक है? If you want, you can perform the division. You can check it. It will be 2x square minus 2x minus 4. ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। जब finally इसके zeros को calculate करोगे, when you will equate this to zero, you will get the final result as 2, minus 1 only. So the zeros are not going to change. Now, why I discuss this question? Because if you find this the solution of this question in many books, what they have done is they have made this question so complicated that it becomes very difficult to comprehend the solution. क्या करे कैसे करे, they have confused the little minds. एक book में आप देखोगे तो वहां पे two common लेकर they have proceeded.
दूसरी बुक में देखोगे तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव नॉट टेकन टू कॉमन एंड दे हैव प्रोसीडेड. क्या करूं मैं, आई एम कंफ्यूज्ड. सो फाइनली द थिंग इज, आप किसी भी तरीके से सवाल करोगे माय डियर फ्रेंड, यू विल गेट द रिजल्ट. ओके, इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? यस सर. ओके फाइन, ये बात समझ में आ गई कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू करने से क्या दिक्कत होगी, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री करने से क्या दिक्कत होगी? बेसिकली कोई दिक्कत तो होगी नहीं. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन. यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टिल देन लेट मी एंजॉय माई हॉट टी. चलो जल्दी से सॉल्व करो, ओरल क्वेश्चन है. सर 37. 37, 37 will be the answer. How you will get 37 as the answer? Put x equal to 2. Put x equal to 2 in the given polynomial. How you got x equal to 2? By using the remainder theorem. If gx is x minus a, then what I do? I put f of a. I find, I calculate f of a. And if the value of f of a is coming out to be 0, then it is... if the whatever is the value of f of a, that will be the remainder. And suppose if f of a comes out to be 0, then x minus a will be the factor. This is what the remainder theorem and factor theorem are. Bahut choti si cheez hai, bahut simple si cheez hai. Let us move to the next question. Chalo, is question ko karte hain. Solve it and tell me the answer. बेटा जब तक चाय खत्म हो तब तक सवाल हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम किसी भी सवाल में लगना नहीं चाहिए. 2 से 3 मिनट बस. ये सर a माइनस थ्री से फैक्टर. a माइनस थ्री से फैक्टर. नाउ टेल मी, बाकी लोग सोचते हैं बड़े सैटरडे की नींद. बेटा तुम लोग के लिए कोई वीकेंड नाम की कोई चीज नहीं होती है, याद रखना इस बात को. यू गाइज आर एक्सेप्शन बिकॉज यू गाइज हैव टू स्टडी डे एंड नाइट. करेंटली नाउ इट इज अ टाइम व्हेन यू शुड स्टडी डे एंड नाइट. द नेक्स्ट 3 years ऑफ योर लाइफ आर गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर्स. सर ऐसा कुछ हो सकता है कि सर वापस से केडीएवी और जामनगर के क्लासेस एक साथ ही हो सकता है सर, क्योंकि वो ज्यादा से इंटरेस्टिंग लगते थे. अच्छा, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग्जामिन वेदर a माइनस थ्री इज ए फैक्टर ऑफ दिस और नॉट. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू पुट लेट दिस इज f ऑफ a, इसको अपन ने f ऑफ a मान लिया. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट f ऑफ 3, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 cube minus 3 square minus 5 into 3 minus 3. सो नाउ इट इज कमिंग टू बी 24 minus 24, which is equal to 0. So definitely this is the factor. Other two factors nikalne hain. Bhai, kaam karo na, divide kar do long division method se. A minus 3 ko a square a cube minus a square minus 5a minus 3 se divide kar do. Sabse pehle a square aayega, to this will become a cube minus 3a square. Ab plus minus minus plus, finally I'm getting this becomes cancel, 2a square minus 5a minus 3 minus 2a karo, so you will get 2a square plus 6a plus minus minus ek minute ha plus minus minus plus. So finally what you are getting, kuch galti hui kya yahan pe? सर ए माइनस थ्री है. ए माइनस थ्री है ना? हाँ सर. हाँ तो ए माइनस थ्री तो लिखा है. तो सर आपने दोनों में एक में प्लस टू ए स्क्वायर और प्लस सिक्स है लिखा है. ओके नहीं तो इट शुड बी ए स्क्वायर प्लस टू ए. ओके 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 सॉरी 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 सर. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. सॉरी आई एम सॉरी. हाँ सो फाइनली इट विल बी माइनस सिक्स ए. So it will be minus 6a. तो इसको जब ये subtract करेंगे तो it will become plus. ये cancel हो जाएगा. This will become a minus 3. Finally it will be become 1. So finally I am having a square plus 2a plus 1. तो इसके जो factors हो गए that are a plus 1 and a plus 1.
ठीक है. नाउ व्हाई आई डू दिस मिस्टेक, व्हाई आई डू दिस मिस्टेक, दैट इज बिकॉज आई वांट यू ऑल टू लर्न दैट वेयर द मिस्टेक्स कैन बी. बेटा आई हैव सीन इन मेनी आंसर्स, मेनी आंसर कॉपीज, आई हैव सीन ब्रिलियंट आंसर कॉपीज, बट द प्रॉब्लम इज प्लस माइनस की गलती. तो ये प्लस माइनस की गलती बहुत परेशान करती है, इसीलिए जहाँ जहाँ गलती होने के चांसेस हैं वहाँ मैं आपको गलती करके बताता हूँ. एंड आई वांट यू टू डिसाइड, आई वांट यू टू जज वेयर देयर कैन बी ए मिस्टेक, वेयर देन देयर कैन बी ए मिस्टेक. ऐसे तो आप कंप्यूटर पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हो, यू कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑन गूगल, इट विल बी एरर फ्री सोल्यूशन, बट दैट विल वॉन्ट मेक यू परफेक्ट. यू ट्राई टू लर्न वेयर द एरर्स कैन बी, उन स्पॉट्स को पता कीजिए जहां एरर्स हो सकती हैं और उन स्पॉट्स पर वर्क कीजिए. ठीक है, चलिए एक और एरर हो सकती है. सर दो फैक्टर क्या लिखे हैं सर, ए प्लस वन और दूसरा, एंड ए प्लस वन, दूसरा भी ए प्लस वन है क्योंकि दिस इज ए स्क्वायर माइनस प्लस टू ए प्लस वन होल स्क्वायर, सो द फैक्टर्स विल बी ए प्लस वन एंड ए प्लस वन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the question, जल्दी से इसको सॉल्व करो एंड टेल मी द आंसर. सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर. द मेथड इज द सेम ओनली, एक्स स्क्वायर माइनस फोर विल बी द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. तो गिवन पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस फोर से डिवाइड कीजिए एंड देन ट्राई टू सी द रिजल्ट, ट्राई टू सी द रिजल्ट इफ यू कैन डू समथिंग हियर और नॉट, इफ यू कैन डू समथिंग हियर और नॉट, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन सम अनदर वे. चलो देखते हैं, करके देखते क्या आता है. एक्स स्क्वायर माइनस फोर से जब आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे, डिवीजन छोड़ दूं भाई, कर लोगे, एट एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी टू एक्स माइनस ट्वेंटी एट, इसको जब बेटा आप लोग डिवाइड करोगे, व्हेन यू विल डिवाइड दिस यू विल गेट, फाइनली यू आर गोइंग टू गेट एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सेवन, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सेवन. And if you will factorize it, you will get this as the answer. Okay, that is one part of the question. Another part of the question is that I want to discuss. See, this question is an objective sir, question. हाँ बोलिए. Sir, आप वो x x raise to 4 है plus 8x cube को कर दो ना एक पहला वाला, क्योंकि उसमें थोड़ा confusion हो रहा है इसीलिए. क्या confusion हो रहा है इसमें? सर देखो एक्स स्क्वायर करेंगे तो फिर एक्स रेज टू फोर होगा, तो फिर माइनस फोर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर तो एक्स क्यूब आ रहा है ना, तो फोर एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, वो दोनों कैंसिल नहीं होगा सर. ऊपर सर वो फोर एक्स, वो फोर एक्स स्क्वायर होगा सर और ऊपर एट एक्स क्यूब होगा सर. बेटा यहाँ पे ये थ्री एक्स स्क्वायर भी तो है. हाँ हाँ वो है. चलो देखो सर, समझ गया सर, याद आ गया, समझ गया सर, याद आ हो जाएगा, याद आ गया, रट ले तू है ना सर. वो नहीं याद नहीं सर, समझ गया. ठीक है चलो सुनो, ठीक है सुनो, अब मेरी बात सुनो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो सुनो. ठीक है अब देखो ध्यान से, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो अगले आधे घंटे में अपन कुछ पढ़ने वाले हैं, जो दैट इज द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स. तो जब अपन वो टॉपिक पढ़ लेंगे तो मुझे याद दिलाना, इस क्वेश्चन को अपन दोबारा एक बार ट्राई करेंगे. ठीक है, बिकॉज कुछ ऐसा है जो मेरे दिमाग में आ रहा है लेकिन अभी ठीक से आया नहीं है. आ रहा है, यहाँ तक आ गया है बट अभी ठीक से आया नहीं है, तो ट्राई करेंगे, हो सकता है सॉल्व हो जाए, हो सकता है सॉल्व ना भी हो. ठीक है, तो आई वोंट कमिट यू कि मैं सॉल्व कर ही दूंगा, लेकिन हो सकता है सॉल्व हो भी जाएगा, हो सकता है सॉल्व नहीं भी हो जाएगा, लेकिन 90% चांसेस हैं कि सॉल्व हो जाएगा. ठीक है चलो आगे बढ़ते. हाँ बोलिए सर, एक बार ये सर आपको जो पढ़ाना है उसके बाद, और सर ये क्वेश्चन के बाद आप एक बार सर वो क्वाड्रेटिक
कोई फंक्शन दिया है तो सर उसमें डिवीजन थ्योरम से मतलब अगर कोई क्वेश्चन या रिमाइंडर पूछा वो कैसे निकालेंगे एक बार बताएंगे? मतलब इसको डिवाइड करना सीखना है? हाँ सर, मतलब डिवीजन थ्योरम से, डिवीजन एल्गोरिदम से। हाँ सॉरी सर, एल्गोरिदम जो पिछली बार क्वेश्चन किया था, जो मैंने छोड़ दिया था करने के लिए। हाँ सर एक बार वही वाला ना? ठीक है चलो, मेरे को याद दिलाना, आई विल डेफिनेटली टेल यू दैट। ओके आई विल डेफिनेटली टेल यू। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज इफ एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली एंड टेल मी द आंसर। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, आफ्टर विच वी विल डिस्कस द थियोरी। सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली, यू गाइज जस्ट हैव 30 सेकेंड्स। बट आई विल गेट 2 माइनस 1 रेज टू द पावर 5 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है सर। नाउ आई विल हैव 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 के होल स्क्वायर। सर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी सॉल्व करना नहीं सीखा है, लेकिन हम लोगों ने एक बात सीखी थी 8th स्टैंडर्ड में, वो क्या सीखी थी? इफ 20 स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, ये बात हम लोगों ने सीखी थी। इसी कंसेप्ट को मैं यहां यूज करूंगा और यहां यूज करके देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। इस कंसेप्ट को जब मैं यहां यूज करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 प्लस 3 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। 2 प्लस 3 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। व्हेन आई विल सॉल्व इट आई विल गेट 2 प्लस 3 के। 2 प्लस 3 के नहीं सर, 2 सर, 2 x की वैल्यू तो सर x की वैल्यू 2 है ना सर, x की वैल्यू 2 है। ठीक है ठीक है ठीक है, 4 प्लस 3 के, सॉरी थैंक यू, 4 प्लस 3 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो फाइनली आई विल गेट 4 प्लस 3 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो फाइनली आई एम गेटिंग इक्वल टू प्लस 1। सो 3 के इज इक्वल टू माइनस 3 और k इज इक्वल टू माइनस 1। ऊपर ऑप्शन देख लो, k इक्वल टू माइनस 1 दिया हुआ है, टिक मार्क कर दो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन इससे पहले एक चीज जरूर चेक कर लेना कि क्या इस ये क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शंस वाला क्वेश्चन तो नहीं है। अगर ये ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन वाला होगा तो आपको फिर दूसरा रूट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर मल्टीपल ऑप्शन वाला नहीं है तो वैल्यू निकालो आगे बढ़ो। या हो सकता है कि जो दूसरी वैल्यू आ रही है, देखो एक चीज और, एक पॉसिबल मॉडिफिकेशन और हो सकता है, के प्लस 3 के इज इक्वल टू माइनस 1 दैट गिव्स मी के इक्वल टू माइनस 5 बाई 3। अब यहाँ पे हमसे ये बोल दे कि द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यू हैव टू फाइंड द के विच इज ए इंटीजर, और आपके पास जो ऑप्शन होता वो मान लो इसकी जगह माइनस 5 बाई 3 भी लिखा रहता। अब एक और गलती सुनो जो बच्चे करते हैं, दूसरी गलती बच्चे ये करते हैं कि क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं। वो इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि उन्हें पता है कि यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है, 2-3 सेकंड सेव करने के चक्कर में वो पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म करके आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। क्यों? रीजन क्या है कि सर यहाँ पे जब मेरा के इक्वल टू माइनस 1 और के इक्वल टू माइनस 5 बाई 3 आया, अब मैं किसे मार्क करूं? क्वेश्चन मेरा सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शन में दोनों है माइनस 5 बाई 3 एंड माइनस 1। व्हाट शुड आई डू? देन व्हाट दे विल डू इज दे विल कीप ऑन रिविजिटिंग देयर कैलकुलेशन, क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ेंगे। तो मेक इट ए हैबिट ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। अब ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर को उपन्यास की तरह पढ़ते रहो, बट मेक इट ए हैबिट ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन पेपर एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, बिकॉज दैट विल गिव यू, एट लीस्ट इट विल सेव यू, इट विल गिव यू बोनस ऑफ 2-3 मार्क्स, कुछ नहीं तो 2-3 नंबर पक्का देकर जाएगा। तो यहाँ पे अगर इंटीग्रल वैल्यू होती बेटा तो माइनस 5/3 को हम लोग रिजेक्ट कर देते, माइनस 1 आंसर हो जाता। ठीक है, हाँ बोलिए सर। ये ऊपर आपने किया जो स्क्वायर को प्लस माइनस 1 ले लिया, तो फिर सर उधर प्लस 1 क्यों लिया आपने, मतलब माइनस 1 मोर प्लस 1 में से? बेटा एक बार प्लस 1 लेकर सॉल्व किया, दूसरी बार माइनस 1 लेकर सॉल्व किया। अच्छा वैसे, ओके सर। आठवीं कक्षा पढ़ी थी, 8th क्लास पढ़ा था बेटा, 8th क्लास में स्क्वायर रूट वाला चैप्टर पढ़ा था सर।
वहां पे रूट 25 स्क्वायर रूट 25 की दो वैल्यूज बताई गई थी, एक प्लस 5 और माइनस 5, वही तो किया यार। सर वो तो समझ में आ गया। हाँ वो मतलब दोनों को कैलकुलेशन किया ना, एक आपने डायरेक्ट कर लिया ऐसे, इसीलिए ये कहाँ डायरेक्ट किया यार, ये देखना 4k + 4 + 3k = +1, दूसरा ये किया। अच्छा हाँ ओके सर, हाँ ओके सर, ओके सर बेटा, ओके सर। क्लास में ध्यान दे, ठेपलों के ऊपर ध्यान मत दे, पढ़ाई कर, अभी पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, I'm not going to discuss this question. Okay, I'm not going to discuss this question. This question is the same. Yes, the concept will be the same. You have to solve it and you have to tell me, you have to calculate the answer of this question. You have to calculate the answer of this question, right? Or if I'm not wrong, the answer of this question will be, either it will be option number A or option number B. Ab iske aage to beta thoda calculate karna padega. ठीक है, इसके आगे थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट इधर इट विल बी ऑप्शन नंबर बी। द आंसर ऑफ दिस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ तुम आप लोगों के सामने बैठ के मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा। ऑप्शन नंबर बी। आई डोंट हैव एनी बुक विथ मी, बट यस द आंसर ऑफ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। व्हाट आई वांट टू डिस्कस इज व्हाई आई कैन से दिस सो इजली, सो फ्लुएंटली, सो फास्टली, दैट आई विल टेल यू। जस्ट दो मिनट रुको, अभी अब उसी की बात करने जा रहे हैं। यस, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज and coefficient of a quadratic polynomial, of a cubic polynomial and a biquadratic polynomial. हम तीनों चीजें पढ़ेंगे, हम quadratic को भी पढ़ेंगे, हम cubic को भी पढ़ेंगे और हम biquadratic को भी पढ़ेंगे। biquadratic को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमने दो questions देखे पीछे, जिनको मैं biquadratic के concept तक extend करूं तो I can solve this question। अब यहाँ पे देखो, the proof is not in your syllabus, so I won't waste your time by giving you the proof. Like if you want the proof, let us discuss the proof. देखो, एक जो general polynomial होता है, अगर मैं quadratic polynomial की बात करते हैं, उसके बाद इस same result को अपन cubic और biquadratic तक extend कर लेंगे। कोई general quadratic polynomial होता है, that is ax square plus bx plus c. इस general quadratic polynomial को I can also write as k times of x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस बीटा। अब सर ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा क्या है? इफ द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा, सो आई कैन ऑल्सो राइट दिस पॉलिनोमियल, द जनरल फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस बीटा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। आगे देखते हैं। Now I can further write this polynomial as k times of x square minus alpha plus beta into x plus of alpha beta. K अभी भी multiply होता हुआ चल रहा है, तो I will write this polynomial as k times of x square alpha minus beta into x plus alpha beta. Coefficients को compare कर दो, x square के coefficients को compare कर दो, अल्फा एक्स के कोफिशियंट को कंपेयर कर दो, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट विल बी इक्वल टू द कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड इट विल बी इक्वल टू द कोफिशियंट ऑफ द कांस्टेंट टर्म, बिकॉज दोनों इक्वेशन सेम है। सी दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन के जो रूट हैं दे आर सेम, सो ये दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल होंगी। हम लोगों ने अभी आगे अपन पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो इक्वेशंस अगर आइडेंटिकल होती हैं तो द कोफिशिएंट्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू हियर, दिस थिंग इज नॉट मेंशनड इन योर सिलेबस, दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग इन टू मच डिटेल। द सेम थिंग आई एम डूइंग हियर, व्हाट हियर इट विल बी ए अपॉन के will be equal to b upon minus alpha plus beta. A upon k will be equal to b upon minus alpha plus beta will be equal to b upon minus alpha plus beta multiplied by k, and it will be equal to
सी अपॉन के इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब कंपेयर कर दो यहां से, तो फ्रॉम हियर व्हाट आई एम गेटिंग अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस सी अपॉन के इंटू अल्फा बीटा, वो थोड़ा इधर उधर चला गया था इसलिए आई गॉट कंफ्यूज, के इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। तो फ्रॉम हियर व्हाट आई एम गेटिंग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, दिस इज वॉट आई एम गेटिंग द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स। एंड If I'm being asked to write a polynomial, अब एक सवाल जो यहाँ पे आता है आपके लेवल पे कि सर राइट ए पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा एंड द प्रोडक्ट हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो जब द पॉलिनोमियल विल बी के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इन टू एक्स प्लस अल्फा बीटा, वाई के बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स जिनका जीरो अल्फा एंड बीटा हो सकता है। कैसे सर? मान लो एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके जो जीरोज हैं वो -2 एंड -3 हैं, ठीक है सर। फैक्टराइज करोगे, जीरो के बराबर इक्वेट करोगे तो यू विल गेट द जीरोज एज -2 एंड -3। नाउ आई एम सेइंग कि सर एक पॉलिनोमियल लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 12, इसके जो जीरोज होंगे ना बेटा, इसके जीरोज भी होंगे -2 एंड -3 ही, क्योंकि जब आप इसको जीरो के बराबर इक्वेट करोगे तो ये जो 2 है ये 2 कॉमन लेके तो पहली गायब हो जाएगा। यस सर, इट्स जीरोज विल आल्सो बी -2 एंड -3। यही कंसेप्ट हम लोगों ने पहला जो क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था +√3/2 एंड -√3/2, वहां पे हम लोगों ने यही वाला कंसेप्ट लगाया था, ठीक है सर, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो इट विल बी के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। व्हाट नेक्स्ट? नाउ दिस वाज वन पार्ट। अनदर पार्ट इज इफ आई एक्सटेंड द सेम कंसेप्ट टू क्यूबिक पॉलिनोमियल, इफ आई एक्सटेंड द सेम कंसेप्ट टू क्यूबिक पॉलिनोमियल माय डियर फ्रेंड्स, देन सी व्हाट हैपेंस। इफ आई एम एक्सटेंडिंग द सेम कंसेप्ट टू से क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रूट्स होते हैं। कौन कौन से रूट्स होते हैं सर? अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल तक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देयर आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जब अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लेंगे तो आपकी एक दो रेफरेंस बुक में डेट यू गाइज जनरली रेफर, उन बुक्स में एपी के बेसिस पे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में। When we will discuss AP, then I will discuss those questions also. But they are one of the best questions. ठीक है? Anyways, यहाँ पे देखिए। तो module में है, reference book में। हाँ, क्या बोल रहे बेटा? Sir, modules में है, reference book में। Module में जहाँ तक मुझे पता है module में नहीं है, but होगा तो मुझे याद नहीं क्योंकि मुझे module को solve किए हुए थोड़ा time हो गया है। Reference book, एक second रुक जा। Now what happens is, see, the product, if the roots are alpha, beta and gamma, so again the same thing will be there, sum of the roots, product of the roots, lekin yahan pe ek cheez aa jayegi ki sir yahan pe I will have three conditions hongi mere paas. Pehli condition kya hogi? Minus b by a will be equal to alpha plus beta plus gamma. अगर बोल रहे हैं सम ऑफ द जीरोस या अगर बोला जा रहा है सम ऑफ द रूट्स, तो इट विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आती है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दिस इज इक्वल टू सी बाई ए। फाइनली The last equation will be product of the roots. So that will be alpha, beta, gamma. अब यहाँ पे देखो एक चीज और है जो अपन को ध्यान रखनी चाहिए, वो ये ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहले माइनस आया,
सबसे पहले माइनस बी बाई ए आया, फिर प्लस सी बाई ए आया, फिर माइनस डी बाई ए आया. द सीरीज इज इट इज कमिंग इन ए सीक्वेंस माइनस प्लस माइनस, फिर अगला जो आएगा फिर वो प्लस आएगा, फिर जो अगला आएगा वो माइनस आएगा. अभी जब अपन बाई क्वाड्रेटिक के लिए करेंगे देन आई विल टेल यू कि जो अगला आएगा वो माइनस, फिर जो अगला आएगा वो प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा. इस तरीके से काम हो रहा है. और जो रूट्स होते हैं, अब सर अपन रूट्स का सम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले किया हमने सम ऑफ द रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम. इसको आई कैन ऑल्सो से सम ऑफ द रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम. फिर हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकिंग, अगर चार रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स टेकिंग थ्री एट ए टाइम. चार रूट्स हैं, मान लो पांच रूट हैं किसी में, तो सम ऑफ द रूट टेकिंग फोर एट ए टाइम, फाइव एट ए टाइम. इस टाइप से हमारी चीजें बनती जाएंगी. तो अब अगर पहले फाइव, फिर फोर, फिर थ्री, फिर टू, उससे कंफ्यूजन होता है यार, उससे कंफ्यूजन होता है. अब अगर एक नॉर्मल क्यूबिक इक्वेशन की बात करें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बना दो जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा हैं, तो एक तो तरीका वही होता है कि x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा कर दो. पर अब वो मेथड पुराना हो गया यार, अब बड़े हो गए हो. जब छोटे थे तो एरिया ऑफ स्क्वायर याद करते थे, जब सेवंथ में थे तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू साइड स्क्वायर, ऐसे ही रट्टा मारते हो गए. और एक मास्टर जी ऐसे मूछो वाले घूमते होंगे, अगर गलती की तो छड़ी से डांट पड़ी. भाई मुझे तो बहुत पड़ी है, मुझे तो छड़ी से बहुत मार पड़ी है, तो मुझे पता है आप लोग को भी पड़ी ही होगी शायद. लेकिन अब बड़े हो गए, अब टेंथ स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो चीजों को थोड़ा मॉडिफाई करके रखो. रूट्स दिए हुए हैं तो पॉलिनोमियल बना के अब नहीं करने वाला मैं. अब मैं कैसे करूंगा, आई विल यूज दिस, व्हाट आई विल यूज नाउ, माय पॉलिनोमियल विल बी के टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम अल्फा बीटा गामा एक्स, माइनस के बाद प्लस आया था, प्लस ऑफ सम ऑफ द रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम अल्फा बीटा, क्या क्या बोल रहे हो, प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा विल बी, दिस विल बी माय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट्स इट, खत्म. इसके आगे नहीं याद करने वाला मैं, नहीं याद करूंगा मैं, कोई जरूरत नहीं है मुझे करने की. आई विल डू इट लाइक दिस एंड आई विल शो यू द एप्लीकेशन. आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट. अब चलो जल्दी से उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो मैंने बोला था कि आई विल डिस्कस. हाँ, इस सवाल की बात करते हैं, ठीक है. मान लो यहाँ पे ये एक मेरा बाई क्वाड्रेटिक है, तो बाई क्वाड्रेटिक के चार जीरोज होते हैं. सुनना मेरी बात, सुनना, बाई क्वाड्रेटिक के चार जीरोज होते हैं, तो लेट द जीरोज आर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा. लेट द जीरोज आर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा. अब यहां पे मैं क्या करूंगा, सम ऑफ द जीरोज टेकिंग वन एट ए टाइम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस नाइन बाई टू. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस नाइन बाई टू. सिमिलरली व्हाट आई हैव, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा विल बी इक्वल टू सेवन, विल बी इक्वल टू सेवन. अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, आगे मत बढ़ो. क्यों मत बढ़ो सर, क्यों 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 क्यों, ऐसा क्या है? इसलिए मत बढ़ो बेटा, इसलिए मत बढ़ो बेटा, क्योंकि इसलिए मत बढ़ो बेटा क्योंकि यहां से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. मेरे पास दो वैल्यूज तो पता है, अल्फा और बीटा की वैल्यू तो मुझे पता है. अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस वन एंड माइनस टू. तो गामा प्लस डेल्टा विल बी इक्वल टू माइनस नाइन बाई टू प्लस थ्री विच इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू. गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू. मैंने क्या किया, अल्फा और अल्फा की जगह माइनस वन रख दिया, बीटा की जगह माइनस टू रख दिया, तो गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू दिस. अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू तो मुझे पता थी, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है, टू आई है. यहां से अब मैं क्या करूंगा, हाँ ठीक है, अब मेरे पास जहां जहां अल्फा की वैल्यू है, अब गामा प्लस डेल्टा की मुझे वैल्यू पता है, तो गामा सर उससे बढ़िया ऐसा कर ले सर, अल्फा बीटा गामा डेल्टा. हाँ तो सर गामा कर सकते, फिर गामा वो भी कर सकते, रुको वही कर लेते हैं. यहां से थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है,
यहां से थोड़ा लंबा पड़ रहा है। अब क्या करोगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा विल बी इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस माइनस प्लस, दो लास्ट वाला जो होगा वो प्लस आना चाहिए, तो 2/2 विच विल बी इक्वल टू 1। चेक कर लो सारे प्रोडक्ट्स में किस में जो हमारा जो रूट आ रहा है वो 1 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज कमिंग आउट टू बी 1। लेकिन यहाँ पे अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, यू कैन वेरी इजली सॉल्व। देखो 9/2 माइनस 9/2 जो है ऑप्शन नंबर ए से तो माइनस 9/2 कभी जिंदगी में आ नहीं सकता है, क्योंकि दो नंबर्स मेरे नेगेटिव हैं, दो नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो चारों नंबर का सम नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, चारों नंबर्स मेरे नेगेटिव हैं, यहाँ पे जो मेरा सम है दैट कैन बी माइनस 9/2। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी में हियर द सम इज 1, हियर द सम इज माइनस 3, ऑप्शन नंबर सी में सम कुछ और आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी में भी अगेन द सेम थिंग इज देयर, इनफैक्ट इन ऑप्शन नंबर डी द सम ऑफ द रूट्स इज कमिंग आउट टू बी 0। तो मुझे अगले स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे अगले स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि ऑप्शन नंबर बी विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द कंसेप्ट। अगर मान लो कभी ऐसी कंडीशन आती जहां पे कि आपको दो 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 ऑप्शंस ऐसे मिलते, तो ठीक है यार, एक और को एक और इक्वेशन तो दी हुई तो है, बाय प्रैक्टिस यू कैन डू दिस। सर एक और तरीके से हम बिना पूरा सॉल्व किए बता सकते हैं। बताओ बताओ। सर मैंने क्या किया, सर पहले माइनस वन और माइनस टू है, तो सर वो दोनों जीरो है, तो सर फैक्टर एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू हो जाएगा। तो सर फिर जब मल्टीप्लाई करके सर जब डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिविजन से, तो क्वेश्चन सर उसमें एक भी टर्म का साइन नेगेटिव नहीं होगा सर, सबका पॉजिटिव ही होगा। हाँ ठीक है, यू कैन डू दैट। फिर सर फैक्टराइज करेंगे, फिर सर जीरो से इक्वेट करेंगे तो माइनस ही आएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली यू कैन डू दिस, वेरी गुड वेरी गुड। आपके दोस्त ने क्या बोला, सी योर फ्रेंड हैज टोल्ड perhaps a more simpler, a more basic method. What he has told, कि सर जो polynomial होगा वो x plus 1 into x plus 2 होगा. Now this is called the power of observation. Very good. सर जो polynomial होगा वो x plus 1 into x plus 2 होगा, इसका मतलब the required polynomial will be x square plus 3x plus 2. अब इस polynomial को सर जब मैं इससे divide कर रहा हूँ, तो कहीं पे भी जो भी क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएगा सर उसके सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब जब मैं उसको x प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई x प्लस बीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करूंगा सर, तो जो वैल्यू आएगी वो मेरी माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा आएगी। दिस इज द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। That is why, as soon as I gave the answer that option number B will be the answer, few others also said that yes sir, option number B will be the answer. Ek bar ko mujhe laga tha ki maybe they know this method, but yes, this is a new thing. But again, Saurabh, be cautious. You can utilize this concept based upon the options only. Okay, so you have to be cautious also. You have used the options very well, but you have to be cautious also. Okay, chalo. I will discuss one or two questions. Before that, if the time doesn't permit, Saurabh, I will discuss that question in the next turn. Okay? Okay, sir. Jo aapne bola tha, I will discuss it in the next turn, that is on Tuesday. Chalo. Okay, sir. This question. Find the zeros of the quadratic polynomial fx equal to this and verify the relationship between their zeros and the coefficient. Jaldi se, fatafat. Sir, ho gaya. Ho gaya? Sir, matlab, ho hi gaya. Zeros ho hi gaya hoga. Iske zeros kya hai? 4 and 2? Sir, plus 4 minus 2? Yes, sir. The zeros of this polynomial, if you will factorize this, so you will write it as x square minus 4x plus 2x minus 8, that is x into x minus 4. Plus 2 into x minus 4. So this will be x minus 4 multiplied by x plus 2. So the zeros will be is equal to 0. 0 nikalne ke liye is polynomial ko equal to 0 kar dijiye.
इक्वल टू जीरो कर दीजिए तो एक्स विल बी इक्वल टू फोर कॉमा माइनस टू. सो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर प्लस फोर एंड माइनस टू. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज verify the relation. Verify how you will verify the relation. Let the zeros are alpha equal to plus 4 and beta equal to minus 2. So alpha plus beta will be equal to 2. From the relation that we have learned, minus b by a, alpha plus beta is also equal to minus b by a, which is equal to minus of minus 2, which is equal to 2. Now I have to calculate the product that is equal to alpha beta. Now alpha into beta is equal to minus 8. I have also learned that alpha beta is equal to c by a, which is equal to minus 8. Khatam. Khatam sawal. Aur kuch nahi hai. Next question, please solve and tell me. Sir, done. Done? Chalo. Theek hai, done to ho hi gaya hoga. Now here the question is find a quadratic polynomial. In the previous batch, a very good thing was told by two, three of the students. Sir, yahan pe a quadratic polynomial. Ab suno pehle, let us try to learn the solution. The general solution of this question, abhi hum logo ne discuss kiya tha, ki the roots are not going to change. The general solution of this polynomial question will be x square minus 10x plus 23. ये सर फिर k की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं तो सर ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते जाएंगे. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते जाएंगे लेकिन हमें तो सिर्फ एक सॉल्यूशन पूछा ना. हमसे क्या पूछा है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो आप लिखेंगे कि द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी दिस, टेकिंग k इक्वल टू 1, टेकिंग k इक्वल टू 1, वन पॉलिनोमियल विल बी x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23. अब यहां पे आप ये भी कर सकते हो कि सर k इक्वल टू 1 नहीं लूंगा मैं तो, k इक्वल टू 2 लूंगा. ले लो यार k इक्वल टू 2 ले लो, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू कैन टेक k इक्वल टू 2, नॉट ए बिग डील. आप k इक्वल टू 10 लेना चाहते हो आप k इक्वल टू 10 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट k के टर्म्स में मत छोड़ना आंसर, क्योंकि हमसे एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल पूछा गया है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस, फाइंड द पॉलिनोमियल. सर डन. इट विल बी इन द टर्म्स ऑफ k. फाइंड द पॉलिनोमियल बोला है, इट विल बी इन द टर्म्स ऑफ k. x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 17. दिस विल बी माय पॉलिनोमियल. ठीक है, नेक्स्ट इज फाइंड द काम में पूछे तो सर के लिखना कि सर के लिखना है, के लिखना है. okay, अगर फाइंड ए पॉलिनोमियल बोला तो के मत लिखना, के की वैल्यू कुछ लिख एज्यूम कर लेना, प्रेफरेबली 1. फाइंड द पॉलिनोमियल बोला है तो के टर्म्स में छोड़ देना. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. परहैप्स दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. I will explain you your doubts in the next turn, Saurabh. Okay. So now the question is find the quadratic polynomials whose zeros are the square of the zeros of the polynomial. अब देखो इस question के दो approaches हैं. पहला approach ये है कि ये जो polynomial दिया हुआ है x square minus 2x minus 15, you can factorize it very easily and you will find that 5 and minus 3 are the factors. तो हमारा जो required polynomial है, 5 and minus 3 are the zeros. तो मेरा जो required polynomial है, उसके zeros हो गए 25 and 9. But yes, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो polynomial होता है, वो factorized नहीं होगा. या factorized होगा, तो उसके जो roots आएंगे, वो irrational आएंगे. तो अब मेरी बात सुनो. अगर ये सवाल एक नंबर का आता है, या अगर ये सवाल दो न, अगर ये सवाल एक नंबर का आता है, या अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है, तो डायरेक्टली आप लिखोगे कि द रूट्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर प्लस 5 एंड माइनस 3. सो माय रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल हैव जीरोज एज 25 एंड 9. उसके बाद सॉल्व करके लिख देना, वट एवर विल बी द आंसर दैट विल बी द आंसर. बट हियर since I don't know what will be the marks of this question, so I will solve it in a standard manner. The standard manner is x square minus 2x minus 15 के roots को मैंने alpha comma beta मान लिया,
तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टू एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 15। कैसे सर? ये हो गया माइनस बी बाई ए और ये हो गया सी बाई ए। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात सही है। हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। माई रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हैज द रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। सो व्हाट विल हैपन, सो नाउ व्हाट विल हैपन, द पॉलिनोमियल विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन टू एक्स प्लस ऑफ अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा होल स्क्वायर तो यहाँ से मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। अच्छा हाँ, ऑफकोर्स इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई के, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई के ऑल्सो, राइट? दैट के अभी के लिए आई एम स्किप कर भी दिया तो आपको पता है कि इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई के। नाउ लेट अस फोकस ऑन कैलकुलेटिंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। लिख सकता हूँ, एक्सपेंड करके देख लो कि क्या हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा, ये वही चीज आ गई। तो दिस विल बी लाइक दिस। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो थी वो लिख दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? माइनस ऑफ माइनस टू, दैट इज टू स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, टू टाइम्स ऑफ सी बाई ए, दैट इज माइनस 15। सो इट विल बी 4 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 34। 4 + 30 विच इज इक्वल टू 34। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 34। अल्फा बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू आई थी 225। ठीक है, 15 है ना, 15 का होल स्क्वायर तो 225 होता है। तो मेरा जो पॉलिनोमियल हो जाएगा डेट विल बी k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 225। खत्म। This is how the questions are to be. This is how the questions are to be done. In the next turn, we will discuss the graph of the polynomial. Graph of the polynomial, that will be the last topic of the class. And after that, we will solve the question.